you down. नवाब साहब आराम फरमा रहे हैं। मिठू साहब, मिठू जी, मिठू बेहोश नहीं हो गया? मिठू क्या है यार, क्या है, क्या मसला, क्या है? इधर सारा नाचन खत्म हुआ है और आपको सुकून की पड़ी हुई है। रिलैक्स करने तो मुझे क्या हो गया तुम्हें, तुम मेरी जान नहीं छोड़ती। जहाँ देखो रिलैक्स ही कर रहे होते हो, कोई होश है दुनिया का? सेब की निशानी है, सेब की निशानी है, लेकिन अंदर राशन कोई भी नहीं है। आटा खत्म हो गया, चीनी पत्ती सब कुछ खत्म हो गया है। मैं राशन ले ना, चला जाऊं अंदर ना चले जाओ, जाके शॉप से लेके आओ। आए यार रिलैक्स करने दिया करो, मुझे सोने दिया करो, थोड़ी देर आ गई। तुम अब लाके जगा देती, तुम जो ना जाओ अपना काम करो। मैं लगाऊं? आप लगाओ, क्या करोगी तुम? मुझे जानते नहीं आप, समझे ना आप। नहीं मुझे नहीं जानते अभी तक, तुम्हें पहचान हो जाएगी। अच्छा जी जी, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ, ऐसी बात ना करो। मुझे कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है ना? तुम मुझे जानता, यू आर माई वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड। हस्बैंड को छोड़ो और वाइफ को भी छोड़ो, मेरी कजने आ रही है, समझे ना। इधर राशन सारा खत्म हुआ है, सारा मुर्गी, उसके बाद सेमिया, उसके बाद दूध, ये सारी चीजें लेके आओ जो मेहमान को चाहिए होती है। सलाद क्रीमी और दही वगैरह सब कुछ लेके आओ। अच्छा जी, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है? मेरे वाले साहब ने बार खुला हुआ स्टोर से लेके आऊ, मेरे पास कोई पैसा पाई नहीं है, ना मेरे पास रुपए है, ना दिरहम है, ना पाउंड है, कुछ नहीं मेरे पास। मिठू साहब, ये मेरी सिरदर्दी नहीं, ये आपकी सिरदर्दी है। आप जाओ मन से लेके आओ, हस्बैंड का काम होता है कि वाइफ की हर चीज पूरी करना। मेरी भी ये सिरदर्दी नहीं है, मेरी सिरदर्दी सिर्फ ये। अच्छा, अब मेरा नाम सिरदर्दी रख लिया आपने। बस क्या करूं मैं, तुम हर वक्त मुझे टेंशन देती हो। तुम मेरी लाइफ में आई भी इसीलिए तो मुझे टेंशन दो। एंड टाइम पे मैंने चेंज किया है कि मैं यहां मेरी बात सुने, ये बता ना गई, ये तो होता है। और मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता, मुझे हर हाल में राशन चाहिए। अब मैं जाकर लोगों से नहीं मांग सकती, ये आपको लाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ऐसा करो, गो टू बैक होम, जैसे आई मेरी लाइफ में, इसलिए वापस घर चले जाओ। मेरी बात सुने, अगर आपको पता हो ये आप मेरे घर में ही रह रहे हैं, मैं आपके घर में नहीं है। यस, ये तुम्हारा घर है जी। मैंने तो सुना था ये तुम्हारे बाप का घर है। बाप का घर है या मेरा, मैं तुम की लौटी औलाद हूँ, घर तो मेरा ही है। लौटी नहीं, अकलौटी होता है जो भी होता है। देखो मुझे तंग ना करो, मेरे पास कोई पैसा पाई नहीं है, मुझे किसी से पैसे आने दो, फिर मैं तुम्हें राशन ले लूंगा, फिर अपनी सहेलियों को बुला लेना। सहेलियां नहीं है, मेरी कजनी है। वो कजनी सहेली नहीं होती है ना। आजकल की लड़कियां जो जानती, लड़कियां कजनों में जानी होती है। तुझे 200 कजन की होती है किसी की? अब वो रस्ते में आ रही है, उनको क्या बोलूं? नहीं वापस ले जाओ, हमारे घर तो राशन पानी नहीं है, मेरा मियां नकम्मा है, ये बोल दूं? क्यों जरूरत नहीं है, क्या वजह है? इसी वजह से मैं मजबूर हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मुझसे हाथों के छोड़ के पाँव के भी अंगूठे लगाए हुए हैं। बस फंस गया हूँ मैं यहाँ आके। फंस गया या जो भी है मुझे नहीं पता। क्या राशन लेके आना है? अगर ना लेके आऊ तो? अच्छा, अब रानी को धमकी लगा रहे हो? धमकी की बात नहीं है, जो जन्म बात है वो जन्म बात है। मेरा पता ना, मेरा चमचा लेना किया करो। हंस गया मिठू, अंगूठे लगा के अपनी जनाब प्रॉपर्टी छोड़ के और बेगम के नीचे तक के लाइफ गुजार रहा हूँ मैं। वो तो करना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ, सौदा लेके आओ सौदा। मैं कहाँ से लाऊँ सौदा? मेरी बड़ी यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, किचन में कुछ नहीं है। मैंने ख़त्म किया, मैं खाता हूँ, तुम खुद भी तो खाती हो। जो ही चीज़ ख़त्म हो तो खामद कर, जो ही चीज़ ख़त्म हो तो खामद, जो चीज़ उसका भी क्या कसूर है? किसको बोले, पड़ोसी को तो नहीं कह सकती ना, मुझे उसने कहना है, आखिर मैं उसका हस्बैंड हूँ। लेकिन कुछ तरीके से तो बोल ना। जानू डार्लिंग, सौदा ख़त्म हो रहा है, जाएँ जाके सौदा ले के आए। बस क्या हो सकता है अब, आजकल किसी को उधार कौन देता है? किससे मैं उधार मांगूँ? इससे मुझे को देता है को उधार?
जब तक पास गाड़ी ना हो, प्लाट ना हो, कोई उधार उधार किसी को नहीं देता। उधार इसलिए वापस नहीं करते, लोग वापस नहीं करते, इसलिए कोई किसी को उधार नहीं देता। जाओ जाओ जाओ। बस जिंदगी में एक मोड़ होता है, जिंदगी में एक मोड़ आता है, उस मोड़ में इंसान अगर सुधर जाए तो सही हो जाता है, उस मोड़ से मिस हो जाए तो सारी ज़िंदगी अजाब गुजरती है। वो मोड़ ये है कि वालदैन की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे ही मेरा ये मोड़ है, इधर जाओगे तो सारी ज़िंदगी हो, अगर सही मोड़ मुड़ जाओगे तो सारी ज़िंदगी सुखी रहोगे। मैंने वालदैन की बात नहीं मानी, उस मोड़ पे सही सिमत मैं नहीं गया हूँ, तो आज मुझे ये दिन देखने पड़ गए हैं। बीवी भी कहती है जाओ सौदा ले आओ, फलां भी कहते ये करो, फलां भी कहते ये करो, कोई मसला नहीं, कोई अरेंज करेगा अल्लाह पाक ही अरेंज करता है, कोई ना कोई सबब मेरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई हो ही जाए। वो मेरा ख्याल है वो मिसाल इसीलिए बनी है कि ओखे टाइम खोते को भी बाप कहना पड़ जाता है, समझो कि यासरा खोते ही है, इसी को मखन लगाते हैं। यासर साहेब, क्या हाल है, ठीक हो जनाब? यासर साहब आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं जी। अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं, ठीक हैं? आप स्लीव पहनी हुई है, वेरी जी बात, क्या करें गर्मी है ना। हाँ ये तो है, बस ठीक ठाक खैरियत से। किधर का दौरा निकाला है आपने? यार वो आगे जा रहा था, काम था थोड़ा सा। आप बताओ आप किधर बैठे हुए हो? यासर साहब क्या आपको बताऊँ, ना कोई किसी की सुनता है, ना किसी को मानता है, ना कोई किसी के काम आता है, ऐसा दौर आ गया है। ओ यार क्या मसला है भाई, तुम्हारा काम आएगा भाई, कब काम आएगा? आप? मैं काम आऊंगा तुम्हारे। आप तो कठिन ना क्या बनेंगे यार। वाह क्या करें यार, गर्मी है अभी, गर्मी का मौसम है, फिर क्या करें। हाँ ये तो है। बस काम क्या ना यार, मैं एक दो बंदे के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे ठोकरवा दिया ना। क्या क्या बात, क्या है बात? बताने वाली है भी और नहीं भी, कुछ इतनी ज्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, तो बात फंसी हुई है दरमियान में। क्या फंसी हुई है यार, बोल तेरा भाई किस लिए है? आप मेरे काम आ सकोगे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे काम आऊंगा यार। यार तुम खुद नशा पूरी करते हो, तुम क्या काम आओगे मेरे यहाँ? और यार हमको नशे ही मत समझो, हम दिल के बादशाह हैं। अच्छा? हाँ। अरे क्या बात है, वैसे मैं तुम्हें भाई दावे बात बताने लगा हूँ, ये नहीं मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे या कर सकोगे, ऐसी कोई बात मेरे जहन में नहीं है। मेरी यार बेगम उसको पढ़ते हैं, असल में जिन्नात का दौरा पड़ता है। अच्छा, जिन का? जिन पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो मुझे किसी ने बताया कि फलां जगह पे कुछ दरबार है ना, दरबार पे लेके जाओ। तो लेके जाओ ना यार, उधर सलाम करवाओ, अल्लाह शफा अता करेगा। अल्लाह पाक करेगा शफा अता। हाँ लेके जाना भी तो एक मसला है ना। यार लेके जा, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। क्या मतलब, पैदल ले जाओ यार, गाड़ी पे लेके जाना। हाँ, अब तुमने पॉइंट की बात की, उस जिस गाड़ी पे लेके जाना है ना, उस गाड़ी के लिए मेरे पास किराया नहीं है। यार ये कौन सी बात हुई, तुम्हारा भाई किस लिए है यार? क्या मतलब, कितने पैसे लगेंगे मुझे बता, मैं देता हूँ यार। क्या बात है, आपने मेरा हौसला बुलंद कर दिया है। ये कुछ लगते हैं 2-3 हज़ार रुपया लगता है जाने आने का ना, तो मेरे पास 2-3 हज़ार होते तो मैं वहाँ चला जाता तुम्हारी भाभी को ना जिन निकाल के लिया था, लेकिन क्या हो सकता है, खैर चलने दे सीधी ना। छोड़ो कोई बात नहीं, यार आप दोस्त हो हमारे भाई हो यार। अरे यार क्या बात है यार, वाह। वैसे तो तुम्हें पता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती। हाँ जरूरत मुझे पड़ती है जब मेरी दवाई खत्म हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया यासर साहेब यार। अच्छा मेरी बात सुनो, ये वापस कब दोगे? ये वापस मैं जुम्मे वाले दिन आपको दे दूंगा, ठीक है ना? पक्के पक्का ना? जी जी जी। अब मैं एक मिसाल देने लगूं तुम माइंड ना करना, कहते ओके टाइम खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। हाँ ये बात है ना, हमारा माशरा नशियों को खोटे सिक्के समझते है ना, नहल समझते हैं लोग, जो मर्जी समझते रहे यार, हम यारों के यार हैं। क्या बात है, आपने ये नेकी का काम करके आपने साबित कर दिया कि नशेई पुरली भी इंसान होते हैं, वो भी दूसरों के काम आ सकते हैं। आ सकते हैं बिल्कुल, आ मैं जुम्मे वाले दिन आपको वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं जुम्मे वाले दिन तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगा। जी ठीक है ठीक है, ये दुआ करना मेरा नशा ना खत्म हो जाए। क्यों,
नहीं तो मैं बंदे के पीछे आ गया हूँ ना, पैसे मेरे, तुम्हें पता है नशा जब तुम्हारा खत्म होगा तुम सीधा मेरे पास आओगे। गैर बात है यार, तुम अपना निजाम चलाओ। ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेरी एक मीटिंग है, मैंने उधर जाना है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे। बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी यार। अरे यार क्या बात है यार, वाह 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 वाह, अल्लाह पाक केड़ी बंदे को इंतजाम कराई छटी होए। जियो 3000 ना खर्चा आ गया, अज ना देना दे निकल सी ना, कल तक ये जासी। गर्मी तो बहुत तेज होती जा रही है दिन ब दिन। ये पता नहीं मक्खियां कहां से आती हैं। आपको कहीं देखा है? मैंने भी आपको कहीं देखा है। दोनों सोचते हैं। ये बापटा वाले बड़े जहरीले होते हैं, मीटर मीटर देखने वाले। आपने सही पहचाना है। आप ये कुंडी जो डाले मैंने पहचान लिया आपको। और आप कैसे? बस ठीक ठाक। आपने किधर? मैं ये दुकान मेरी, ये दुकान मेरी अपनी है ना। अच्छा, दुकान भी चलाते हैं। उधर से भी टुकते हैं और इधर से भी है। नहीं नहीं टुकते नहीं है, वहाँ पे गुजारा नहीं होता। ये पार्ट टाइम पे हमने दुकान रखी हुई है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी, आपको पता है सारी बात। अच्छा, तो मतलब आप मेरे मलेदार भी हो गए हैं। हाँ ना जी, तो आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस सोना सोना लेना आया था जी, सोना लेने आया था जी। जी जरूर, क्यों नहीं। हाँ जी, सारे आइटम हो गए आपके पास? जी जी, आप बताएं क्या क्या चाहिए। दाले, कुछ चमक दाले चाहिए, दूध के दो चार डब्बे चाहिए। बिल्कुल मिल जाएंगे। चीनी हो जाए, हो जाए, गरम मसाले शाले सब कुछ है। और लाभ को सर्फ शर्फ हो जाए, बस सारी चीजें लगी हुई है जी। सारी मिल जाएंगी आपको। चले ठीक है, आप जरा देखे ना। अच्छा चले ठीक है, देखे ना। ठीक हो गया, फिर आपको ना। ये मंदिर आ जाओ। नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है। ये साबुन कितना चाहिए? साबुन बस जितना भी है, दो तीन चक्की दे दे बस। अच्छा अच्छा ठीक होगा ठीक होगा। ये देखें जी, सारी चीजें मैंने रख दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। मैं कहता जी बहुत अच्छे जी, जी बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह क्या बात है। बात सुने ना जी। जी जी, और पैसे पैसे वो आप आए थे तो बिजली बिजली मैंने आपको चाय का भी पूछा था। हाँ पूछा था, पूछा था, बिल्कुल मुझे याद है। वैसे मैं कल तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी आपको ना। मैं जल्दी भर भर से आगे घर गया नहीं। ओ नहीं जी, उधार हम बिल्कुल नहीं देते यहाँ पे। चले फिर रख दे सामान अपना, फिर क्या हो सकता है। अच्छा, आप अच्छे जानने वाले। अच्छा जी जी, दे दे कोई बात नहीं। नहीं फिर मैं किसी और दुकान से ले लूंगा, मतलब मैं कल परसों आपको दे दूंगा ना। नहीं जी समझा करें जी, उधार नहीं, नहीं इतना सामान नहीं है, उधार मैं आपको दे दूंगा तो कैसे लेके। हम एक मुलाकात भी एक ऐसा चक्कर नहीं है ना, मैं बहुत पुराने समझ में रहता हूँ ना। अच्छा, ये सारा बाजार मुझे दान उधार देता है। तो फिर देख ले फिर कब पैसे देंगे आप। ये मैं आपको दो दिनों बाद आपको पैसे पहुँच जाएंगे। अच्छा, दो दिन के बाद? हाँ जी हाँ जी। ये देख लेना, फिर तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी बात कोई आपको देनी है, ठीक है ना जी। अब वैसे आप मुझे अच्छे लगते हैं। चले मेरे पास सब सही जा रही है। हाँ जी ठीक ठाक। अच्छा, अच्छा। दो दिन के बाद और वो कुंडे शुडे तो भी पकड़ा। और छोड़ो ने जी, इधर क्या है जी, इधर इज्जत है जी, क्या कर रहे हैं जी। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ, दो दिन के बाद एक दूध चीनी दाले और क्या क्या नमक मसाले सारे सब लेके आया हुआ, जो मर्जी है बताओ। दाले पका लेती
दाल नहीं बिजली गोश्त दिया है। गोश्त भी है? शुक्र है, मैं तो कढ़ाई बनाऊंगी। मुश्किल से ले गया हूँ, एक दोस्त के पास गया हूँ, फिर दूसरे के पास गया हूँ, फिर तीसरे के पास गया, फिर चौथे के पास गया हूँ, तब जाके ये पैसे तो ठेक हुए। तो ये सारा सामान मैं ले गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने सारा कुछ दे दिया है, वरना ज्यादा एहसान करने की जरूरत नहीं, आपका हक है। तुम भी ना इतनी ज्यादा पे मत 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 ना रख लो, ठीक है ना? ये किसी दिन में जेन्युइन शोर बन गया हूँ ना, तो फिर सारा टिया ठमा। तो क्या कर लेंगे बताइए सर, क्या कर लेंगे? चलो उस वक्त से जब मैं कुछ करने के लायक हो गया, यानी कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई, फिर मैं तुम्हें रोज मांगूंगा, समझी हो ना? ये चप्पे चुपे ना डाला करो मुझे, मेरे मुंह में ना डाला करो। आ देखी कैसे है भाई, कैसे दिखती है भाई? कैसे देखूं? आखिर नीचे करके देखा करो। नहीं होती, क्या करूं? अब शेर 3 दिन रेस्ट करेगा, क्योंकि 3 दिन का शिकार उसने कर लिया है। 3 दिन खाएगा और रेस्ट करेगा। जाओ पूरे 3 डेज शेर को ना जगाओ। मिठू जी, मिठू जी उठ जाए, बाहर कोई आया है। क्या यार क्या है? उठ जाए बाहर, आवाज नहीं आ रही आपको? कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। ओए ओए यार, मुझे नहीं पता कौन है, खुद ही देखने जाके दरवाजा तोड़ेगा मेरा ख्याल है। ये तो वो यासरा है यार। वो यासरा है तो क्या हुआ? पता नहीं क्यों आया हो, क्या है वे? जाए नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। जाए खड़काने दो, छोड़ो यार, मैं खुद जा रही हूँ। जाऊं किधर है? घर में ही हूँ, क्या तकलीफ है? आना तो कौन यार, क्या हुआ? जाए ना जाने उससे, इतना क्यों घबरा गए? क्या है? बाबा किधर हो बाबा? तुमको दरवाजा तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो तुम? ओ यार घंटा हो गया दरवाजा खड़का रहा हूँ, तुमको दुकान पे देखा, उधर भी नहीं हो तुम, आगे पीछे बाजार में भी नहीं मिलते हो यार, तुम किधर गायब हो यार? मेरी दवाई खत्म है, मैंने तुम्हें बोला था मेरे पास पैसे आगे पीछे बहुत होते हैं। जब 2-3 दफा दरवाजा खड़का अंदर से कोई ना निकले तो इसका मतलब मैं वापस चले जाऊं। यार 3-4 दिन हो गए यार तुम मुझे मिलते नहीं हो, जुम्मे का वादा किया था तुमने। अच्छा जुम्मे का वादा किया, जुम्मे का वादा जुम्मे का वादा किया था, आज मंडे हो गया, पैसे दे मुझे। मैंने तुम्हें बोला है मैं किसी न किसी दिन तुम्हारे पैसे जरूर दे दूंगा, तुम टेंशन ना लो। फिलहाल तुम्हारे पास दवाई है वो पियो। ओ नहीं यार मेरे पास दवाई खत्म है, मेरे पास पैसे मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। यार तुम घर आप घर में आके मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं फैमिली में हूँ, बीवी है मेरी, तुम कर रहे हो तो माफी दे दो यार, मेहरबानी। यार क्या माफी दे दो, तुम रास्ते में मिले थे, तुमने बोला मेरी बीवी पे जिनों भूतों का साया है, मैंने पीर के पास लेके जाना है। यार मैंने तुम्हारे पे नेकी करके बहुत पछता रहा हूँ यार। मैं तुम्हें 2 दिन मुझे और दे दो, मैं तुम्हें प्लीज वापस कर दूँ पैसे। नहीं बाबा मुझे पैसे चाहिए, मैं लेके जाऊंगा, मेरी दवाई खत्म है यार। दवाई खत्म है यार, दवाई तो मर तो नहीं जाओगे ना, दवाई है ना यार। 3 दिन हो गए खत्म है यार, नहीं मुझे पानी तेरी यार मेरे को छोड़ यार। नहीं बाबा मुझे पैसे चाहिए यार, एक मिनट। क्या है, क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो यार? एक मिनट ओह माय गॉड, क्या कितने पैसे हैं आपके? मेरा 3,000 देना है इसमें यार, पैसे नहीं। ये ले पकड़े और दोबारा लॉक नहीं करना। एक तो पैसे देने हैं, दूसरा पैसे कैसे? अच्छा मुझ पे जिनों भूतों का साया है, चलो जरा। चलो मैं बताती हूँ कैसे जिन पड़ता है। पता चल गया जब जिम से वहां पड़े तो